नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष 2022 में G20 शिखर सम्मेलन में विश्व नेताओं को आमंत्रित किया। अमेरिका और चीन व्यापार विवाद के समाधान को सहमत, नई बातचीत शुरू होने तक अगले महीने से एक दूसरे के खिलाफ प्रस्तावित नए शुल्क लागू नहीं करने पर भी राजी। अमेरिका को छोड़कर जलवायु परिवर्तन संबंधी पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले G20 के सभी देशों ने इस पर पूरी तरह अमल करने का संकल्प लिया। पोलैंड में आज से शुरू हो रहे संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में समझौते पर कार्रवाई की मांग की। नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा, देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना उनकी प्राथमिकता। और हॉकी विश्व कप में आज शाम भारत का मुकाबला बेल्जियम से और कनाडा का दक्षिण अफ्रीका से होगा। दोपहर समाचार के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत स्वतंत्रता के 75वें वर्ष 2022 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा। श्री मोदी ने एक ट्वीट संदेश में कहा कि 2022 में भारत G20 शिखर सम्मेलन में विश्व का स्वागत करने को उत्सुक है। प्रधानमंत्री ने दुनिया भर के नेताओं को भारत आने का न्योता दिया। 2022 भारत की आजादी के 75 साल होंगे, एक बड़ा महत्वपूर्ण अवसर है। उस समय विश्व के सभी लीडरशिप भारत आए, इसलिए हमने इटली से रिक्वेस्ट की थी कि अगर 21 के बजाय 22 भारत को मिलता है, और मैं इटली का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को स्वीकार किया। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा अगले वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब भारत महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मना रहा होगा, ऐसे में गणतंत्र दिवस समारोह में श्री रामफोसा का मुख्य अतिथि के रूप में स्वागत करने पर उन्हें गर्व होगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि G20 देशों को विश्व व्यापार संगठन में सुधारों के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हैम्बर्ग घोषणा के 11 सूत्रीय एजेंडे को भी कार्यान्वित किया जाना चाहिए, जिसमें आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। प्रधानमंत्री ने भगोड़े आर्थिक अपराधियों को वापस लाकर कानूनी कार्रवाई करने और उनकी अवैध संपत्ति जब्त करने के लिए 9 सूत्रीय कार्य योजना भी प्रस्तुत की। G20 शिखर बैठक में हिस्सा लेने के बाद प्रधानमंत्री नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। अमेरिका को छोड़कर जलवायु परिवर्तन संबंधी पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले G20 के अन्य सभी देशों ने इस समझौते पर पूरी तरह अमल करने का संकल्प व्यक्त किया है। शिखर सम्मेलन के बाद जारी घोषणा पत्र में G20 के नेताओं ने कहा कि समझौते से पीछे नहीं हटा जा सकता। उधर अमेरिका ने फिर कहा है कि वो इस समझौते में शामिल नहीं होगा, लेकिन आर्थिक विकास, ऊर्जा उपलब्धता और सुरक्षा के प्रति उसकी वचनबद्धता बनी रहेगी। एक रिपोर्ट। धरती के पर्यावरण को हो रहे नुकसान के प्रति आगाह करते हुए लगभग 200 देशों के प्रतिनिधि आज पोलैंड में संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन के लिए एकजुट हो रहे हैं, ताकि जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों को रोकने की योजना को ठोस रूप दिया जा सके। जलवायु परिवर्तन के सबसे ज्यादा दुष्परिणाम झेल रहे छोटे और गरीब देश चाहते हैं कि अमीर देश 2015 के पेरिस समझौते में किए गए वायदों को पूरा करें। विशेषज्ञों का कहना है कि तापमान में महज 1 डिग्री की बढ़ोतरी के बावजूद जंगलों में भीषण आग लगने, लू चलने और समुद्री तूफान जैसी विनाशकारी घटनाएं हुई हैं। समाचार कक्ष से सौरभ अग्रवाल। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग अगले साल 1 जनवरी से एक दूसरे के खिलाफ प्रस्तावित नए शुल्क फिलहाल नहीं लगाने के बारे में सहमत हो गए हैं। ब्यूनस आयरस में दोनों नेताओं के बीच यह सहमति बनी। उन्होंने अमेरिका और चीन के बीच चल रहे व्यापार युद्ध की समाप्ति के लिए बातचीत जारी रखने का भी संकल्प व्यक्त किया। चीन के राष्ट्रपति दोनों देशों के बीच व्यापार घाटे को कम करने के लिए काफी मात्रा में अमेरिकी उत्पाद खरीदने पर भी सहमत हुए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा है कि उनकी प्राथमिकता देश में मुक्त और निष्पक्ष चुनाव कराना है। श्री अरोड़ा ने आज भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यभार संभालने के बाद ये बात कही।
All of us in the commission shall continue to put our best foot forward to meet the expectation of all the stakeholders strictly in consonance and in conformity with the vision and ideals of the Constitution of India, especially the preamble thereof. श्री अरोड़ा सितंबर 2017 से निर्वाचन आयुक्त के तौर पर काम कर रहे थे. मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में उनका कार्यकाल 2.5 वर्ष का होगा और 2019 का आम चुनाव उनकी देखरेख में ही कराया जाएगा. राजस्थान और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव प्रचार चरम पर है. राजस्थान में दो प्रमुख दलों भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं और मंत्रियों को चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी गई है. बीकानेर में एक संवाददाता सम्मेलन में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि विकास भारतीय जनता पार्टी का मुख्य एजेंडा है और पार्टी केंद्र तथा राज्य सरकार के कार्य के आधार पर चुनाव लड़ रही है. मैं केंद्र सरकार में केवल अगर अपने विभाग की बात करूं और केवल एक मंच की बात करूं तो देश में कुल 77 पासपोर्ट सेवा केंद्र थे जिन्हें आज बढ़ाकर हमने 328 किया है. और बीकानेर वालों से कहना चाहूंगी कि आपके राजस्थान में केवल 3 पासपोर्ट सेवा केंद्र थे, जयपुर, जोधपुर और सीकर. आज 20 पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं, 17 पासपोर्ट सेवा केंद्र हमने बढ़ाए हैं. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर पिछले 5 वर्षों के दौरान लोगों से कटे रहने का आरोप लगाया. हनुमानगढ़ जिले के नौहर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो किसान, युवा और समाज के अन्य वर्गों की सभी समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता दी जाएगी. नौहर क्षेत्र की बहुत समस्या है, सिंचाई की है, शिक्षा की है, पेयजल की है, चिकित्सा की है, कानून व्यवस्था की है, उस पर कोई कमी नहीं रखेंगे काम करवाने के अंदर. जब जब सरकार बनी है कांग्रेस की, राजस्थान की जनता ने हमने काम में कोई घाटे नहीं रखे. तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए सभी प्रमुख दलों के नेता राज्य के अलग अलग हिस्सों में जोरदार चुनाव प्रचार कर रहे हैं. उम्मीदवारों के पक्ष में जगह जगह रोड शो, चुनाव रैलियों और जनसभाओं का आयोजन कर मतदाताओं को रिझाने के प्रयास किए जा रहे हैं. हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में विभिन्न दलों और गठबंधनों के बीच कड़ी टक्कर होने की संभावना है. हैदराबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा से एक दिन पहले भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी और योगी आदित्यनाथ राज्य में कई जगहों पर सभाएं कर रहे हैं. श्री गडकरी ने उप्पल में रोड शो में एनडीए सरकार के विकास कार्यक्रमों का उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि भाजपा की पहल से ग्रामीण इलाकों में संपर्क में बहुत इजाफा हुआ है. श्री अमित शाह दोपहर बाद नारायणपेट में अलग अलग स्थानों पर 3 रैलियों को संबोधित करेंगे. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैदराबाद में प्रचार करेंगे. जयराम रमेश, वीरप्पा मोइली और गुलाम नबी आजाद सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी अलग अलग स्थानों पर प्रचार करेंगे. हैदराबाद से लक्ष्मी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं अंजुम आलम. जम्मू कश्मीर में 300 किलोमीटर लंबा श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग एक तरफ से यातायात के लिए खुला हुआ है. अधिकारियों ने बताया कि विपरीत दिशा से किसी भी वाहन को आने की अनुमति नहीं होगी. राजौरी जिले के रास्ते दक्षिण कश्मीर के शोपिया जिले को जम्मू से जोड़ने वाले मुगल रोड पर भी यातायात को राजौरी में बफलियाज से शोपिया की ओर जाने की अनुमति दी गई है. मौसम और सड़क साफ होने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए करगिल की तरफ से आकर फंसे वाहनों को मिनी मार्ग से श्रीनगर जाने की अनुमति दी जाएगी. महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री दीपक सावंत ने कहा है कि राज्य में इस वर्ष मार्च तक एड्स पीड़ितों की अनुमानित संख्या 28,000 थी. विश्व एड्स दिवस पर एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सबके लिए उपचार उपलब्ध कराने की नीति के तहत एचआईवी से ग्रस्त रोगियों को एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी तुरंत दी जा रही है. श्री सावंत ने कहा कि राज्य में एड्स के मरीजों में 0.7% की कमी आई है. उन्होंने ये भी कहा कि एड्स रोगियों के इलाज के लिए सुविधाएं मौजूद हैं और समाज को इन रोगियों के प्रति अपना नजरिया बदलना चाहिए. आंध्र प्रदेश में तिरुपति से 20 किलोमीटर दूर मामांदुरू के पास एक कार और ट्रक की टक्कर में कार में सवार एक ही परिवार के 5 सदस्यों की मौत हो गई. मृतकों में 1 वर्ष का बच्चा भी शामिल है. ये दुर्घटना उस समय हुई जब कार सीमेंट से लदे ट्रक से टकरा गई. नागरिक विमानन मंत्रालय ने देश में ड्रोन ऑपरेटरों के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है. ये पंजीकरण डिजिटल स्काई पोर्टल के माध्यम से हो सकेगा. सरकार ने इस वर्ष अगस्त में ड्रोन की सुरक्षित उड़ान से संबंधित नागरिक उड्डयन नियमों की घोषणा की थी. ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर भी उपलब्ध हैं. ये आकाशवाणी है.
हॉकी विश्व कप में आज भारत का सामना बेल्जियम से होगा। पूल सी का ये मैच भुवनेश्वर में शाम 7 बजे से खेला जाएगा। भारतीय टीम अगर ये मैच जीत जाती है तो सेमीफाइनल के लिए उसकी राह आसान हो जाएगी। आज ही शाम 5 बजे कनाडा का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। इधर तिरुअनंतपुरम में राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में हरियाणा के आदर्श सिंह ने कल पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। प्रतियोगिता का कांस्य पदक विजय कुमार ने जीता। फाइनल में आदर्श ने राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता अनीश भनवाला को पराजित किया। अमरीका के रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस ने कहा है कि भारत और अमरीका जैसे दुनिया के सबसे बड़े दो लोकतांत्रिक देशों के बीच भरोसा बढ़ रहा है। रोनल्ड रीगन संस्थान में कल अपने भाषण में उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच बढ़ता सुरक्षा सहयोग इस बात की पुष्टि करता है। श्री मैटिस ने यह भी कहा कि अमरीका चीन के साथ भी रचनात्मक और परिणाममूलक संबंध चाहता है। अमरीकी अधिकारियों ने बताया है कि मायामी के एक इलाके में 5 लोगों पर गोलियां चलाने की घटना हुई है और हमलावर अभी फरार है। मायामी पुलिस ने बताया कि ओवरटाउन इलाके में कल रात यह घटना हुई। बंदूकधारियों ने शराब की दुकान पर खड़े लोगों पर कई राउंड गोलियां चलाईं। पीड़ितों की अभी पहचान नहीं हो सकी है और गोली चलाने के कारणों का भी पता नहीं चल सका है। मैक्सिको में राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए वामपंथी नेता आंद्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर ने कार्यभार संभाल लिया है। 65 वर्ष के लोपेज ओब्राडोर ने कल विश्व नेताओं सहित विशाल जनसमूह के सामने मैक्सिको के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की। उन्होंने कहा कि वे राष्ट्रपति के महल में नहीं रहेंगे और निर्धारित वेतन का सिर्फ 40% ही वेतन लेंगे। उन्होंने मैक्सिको के राष्ट्रपति के सरकारी विमान को बेचने की भी घोषणा की। श्रीलंका में राजनीतिक संकट के लंबे खींचने के आसार हैं, क्योंकि संसद भंग करने के बारे में सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई अगले सप्ताह होगी। इस बीच संसद में सरकार बदलने के लिए बुधवार को एक और प्रस्ताव पेश किया जाएगा। नए प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्स ने कहा है कि सरकार से हटने या इस्तीफा देने का प्रश्न ही नहीं है और वे इस मुद्दे पर न्यायालय के फैसले की प्रतीक्षा करेंगे। इस बीच यूनाइटेड नेशनल फ्रंट की राष्ट्रपति के साथ आज शाम एक बैठक भी संभावित है। अफगानिस्तान के दक्षिणी प्रांत कंधार में बमों से लदे एक बख्तरबंद वाहन में विस्फोट से तालिबान के कम 37 लड़ाके मारे गए हैं और कई अन्य घायल हो गए हैं। खामा प्रेस समाचार एजेंसी के अनुसार ये वाहन तालिबान का था और ये विस्फोट पाकिस्तान की सीमा से लगे मारूफ जिले में हुआ। प्रांतीय गवर्नर के प्रवक्ता के अनुसार तालिबान इन बमों से अफगान सेना पर हमला करने की योजना बना रहे थे। अफगानिस्तान के उत्तरी प्रांत फरियाब में सुरक्षा बलों और तालिबानी आतंकियों के बीच संघर्ष में 11 आतंकियों सहित 18 लोग मारे गए। ये संघर्ष कल रात उस समय शुरू हुआ जब तालिबानी आतंकियों ने अंदखोए और करगान जिलों की सुरक्षा चौकियों पर हमले किए। इस संघर्ष में 11 सुरक्षाकर्मी और 2 दर्जन से ज्यादा आतंकी घायल हो गए। अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने बताया है कि 3 अंतरिक्ष यात्री कल 6.5 महीने के मिशन पर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र से रवाना होंगे। ये अंतरिक्ष यात्री अमरीका, कनाडा और रूस के हैं। तीनों यात्री कजाकिस्तान स्थित बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से शाम 5:31 पर रवाना होंगे। इससे लगभग 2 महीने पहले एक रूसी और एक अमरीकी अंतरिक्ष यात्री को ले जा रहे विमान को आपात स्थिति में उतरना पड़ा था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष 2022 में भारत में आयोजित किए जाने वाले G20 शिखर सम्मेलन में विश्व नेताओं को आमंत्रित किया है। अमरीका और चीन व्यापार विवाद के समाधान पर सहमत हो गए हैं। नई बातचीत शुरू होने तक अगले महीने से एक दूसरे के खिलाफ प्रस्तावित नए शुल्क लागू नहीं करने पर भी राजी हुए हैं। अमरीका को छोड़कर जलवायु परिवर्तन संबंधी पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले G20 के सभी देशों ने इस पर पूरी तरह से अमल करने का संकल्प लिया है। पोलैंड में आज से शुरू हो रहे संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन के समझौते पर कार्रवाई की योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा। नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा है कि देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना उनकी प्राथमिकता है।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।